फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हैं जिनका काम इतना अच्छा होता था कि वो फिल्मों की जान बन जाया करते थे, या यूं कहें कि हर फिल्म में इनका होना जरूरी सा हो गया था। पुराने दौर में एक ऐसे ही विलन हैं अनवर हुसैन, जिन्होंने अपनी अदाकारी से बॉलीवुड की कई फिल्मों को सजाया। पर्दे पर विलन की भूमिका में नजर आने वाले अनवर असल जिंदगी में काफी खुश मिजाज थे और पान खाने के बेहद ही शौकीन थे। अनवर हुसैन का जन्म 1925 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मां का नाम जहन बाई था, जो अपने जमाने की मशहूर क्लासिकल सिंगर थी। अनवर के बड़े भाई थे जिनका नाम अख्तर हुसैन था, जो फिल्म निर्माता थे। इसके अलावा अनवर की एक छोटी बहन थी जो अपने दौर की फेमस एक्ट्रेस थी। यही अनवर के लिए परेशानी का सबब बन गया था। हम बात कर रहे हैं नरगिस की। नरगिस ने अपने दौर में काफी नाम कमाया और हर कोई उनको पसंद करता था। ऐसा नहीं था कि अनवर और नरगिस के रिश्ते बेहतर नहीं थे या फिर वो नरगिस की सफलता से परेशान थे। उन्हें मलाल था तो सिर्फ एक बात का कि उनकी अपनी कोई पहचान इंडस्ट्री में नहीं बन पा रही थी। उन्हें सिर्फ नरगिस के बड़े भाई के तौर पर ही पहचान मिल रही थी। अनवर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म राजा गोपीचंद से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उस समय उनकी उम्र महज 11 साल थी। इसके बाद उन्होंने 1943 में फिल्म संयोग के जरिए फिल्मों में ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाई। 1 जनवरी 1988 को 62 साल की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया था।